लाहौर भी मैं गया हूँ लेकिन वहाँ पे भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पे भी आम माइनॉरिटी है बेचारे वहाँ के, सच कहाँ बोलेंगे। मुंतहा वहाँ पे मसाजिद का क्या हाल है, मस्जिदों का? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, गली गली में दो चार मस्जिदें दिखने की। देखिए जो हिस्ट्री है हम उसको नहीं, हम लोग हिस्ट्री को रेज नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप अगर बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हो तो जामा मस्जिद दिल्ली की भी बात कीजिए, हिस्ट्री दोनों की है। आप दोनों की आप मान लें, इश्यूज हैं, आप नहीं मान रहे लेकिन इश्यूज वहां पे हैं। इश्यूज, इट्स नॉट अबाउट इश्यूज, इट्स अबाउट द एक्सेप्टेंस। वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स एंड यू आर नॉट। हमारे यहाँ फीमेल्स की बिल्कुल पता है आपके रेस्पेक्ट के बारे में, हमें बिल्कुल पता है आपके रेस्पेक्ट के बारे में, वी नो एवरीथिंग। सर्च कर लें कभी। हाँ, इतनी पर तो थोड़ी हम सर्च करने बैठेंगे, और वो भी कौन सा मुल्क। जब आप मस्जिदें बंद की हुई, नमाज पढ़ने देते नहीं, डंडे मार के भगा देते हैं और ये मानती नहीं है। अरे ये कितना झूठ बोलेंगे यार। अच्छा सनी जी, आपने आपने मस्जिदों के बाहर गनमैन कहाँ पे देखे थे? सपने में, सपने में, और इसकी फैक्ट्री में, फेक न्यूज फैक्ट्री में। सर हम अपना बहुत अच्छा ही देख रहे हैं, इनकी जरा अभी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल आज के हिसाब से। चले फिर, भला हो आप लोग का। कि जिस तरह आप दोनों लोग एक अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो और एक अलग अलग कंट्री के हो, तो क्या आप लोगों की दोनों की कंट्रीज में, पाकिस्तान और इंडिया में, आप लोगों को भी उतने ही फेस्टिवल्स पे प्रायोरिटाइज किया जाता है जितना मेजॉरिटी को प्रायोरिटाइज उनके फेस्टिवल्स पे किया जाता है? क्या आप लोगों के त्योहारों को भी उसी तरह रिस्पेक्ट किया जाता है जिस तरह मेजॉरिटी के त्योहारों को किया जाता है? अभी मैं कुछ बोलूंगी तो सनी साहब आगे से बोलेंगे कि झूठ, जबकि इनको पता है झूठ ये बोलते हैं। तो अभी आराम से आप सुनेंगे। तो हमारे यहाँ ईद होती है, हमारे यहाँ मतलब दो ईद है, दो फेस्टिवल है, इतने बढ़िया तरीके से होते हैं, यू कांट इमेजिन दैट। नो डाउट कि लाइक हमारे यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके में होती है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में बहुत अच्छे से होती है और हर एक फेस्टिवल काफी अच्छे से होता है। इवन दो सनी भाई, अगर आपको चाहे तो आपको मैं लिंक्स भी भेज दूंगी, अब तो आज से भेजना स्टार्ट करूंगी ताकि आपकी ये फेक फैक्ट्री न्यूज जो है वो थोड़ा सा आपकी राइट शुरू कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से लिंक एक्सचेंज होंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब सनी जी, तो आप बताओ पाकिस्तान में क्या सिनेरियोज होते हैं इसके? इसी तरह जैसे कि अभी होली हुई, हालांकि यहाँ की मेजोरिटी भी होली मनाती है, माइनॉरिटी। अभी बलूचिस्तान में भी इतनी अच्छी होली नहीं मनाई जाती, जहाँ मैं लाहौर की, मुझे दिवेश वीडियो सेंड कर रहा होता है तो मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी होली जो है मेजोरिटी मना रही है, तो ये चीज़ देख के बहुत खुशी होती है। हालांकि यहाँ पे होली अभी रिसेंटली होली हुई तो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स जो कि मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो आके हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यही होता है एक अमन का पैगाम, हुकूमत स्पेशली हमारे जो मंदिर होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है दिवाली पे। पाकिस्तान में ये बम बम की तो इजाजत इतनी नहीं है, तो हालांकि दिवाली के लिए स्पेशली हम अलाउ करते ताकि हम लोग ये तीन दिन पूरे सही तरह से अपने एंजॉय कर सकें। माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है फेस्टिवल मनाने के लिए? सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ सिक्योरिटी देती है ताकि कोई ना। अब तक उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। ओके ओके ओके, आई गॉट यू। वहाँ पे जब भी होली दिवाली ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो डिस्काउंट लग जाता है, इवन रमजान में वहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है फॉर मुस्लिम्स, ताकि वो लोग रमजान अच्छे से मना सके। तो क्या आपने पाकिस्तान में ऐसे सिनेरियोस देखे कि आप लोगों के फेस्टिवल्स के लिए जो है, या हमारे फेस्टिवल्स पे आप लोगों को भी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं उनको? बस हम अपने फेस्टिवल्स के डिस्काउंट जो है आपके फेस्टिवलों पे ले लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो अलग से कोई डिस्काउंट लगते नहीं है होली दिवाली के। आपने कहा कि आप लोगों के फेस्टिवल के डिस्काउंट्स नहीं लगते, आप लोग हमारे फेस्टिवल्स के डिस्काउंट्स ले लेते हो, लेकिन करंट सिनेरियोस के मुताबिक तो पाकिस्तान में हमारे फेस्टिवल्स पे भी डिस्काउंट नहीं लग रहा, तो क्या आप पूरा साल डिस्काउंट नहीं लेते? हाँ, करंट सिचुएशन अगर देख लें, यहाँ पे अगर लोगों को ईद के लिए खाना ही मिल जाए ये बड़ी बात है, कपड़े तो चलो दूर की बात, आटे की कीमत आप देख रही हैं,
मुमता आप बताओ, क्या कश्मीर के अंदर ऐसा सिनेरियो होता है, क्योंकि कश्मीर में भी मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, तो क्या वहां पे भी रमजान में कर्फ्यू लगता है खाने पे इस तरह का कि सुबह से शाम ऐसा तक? कुछ नहीं है। मुझे पहली बात ये लगता है, मजहब अगर किसी को फॉलो करना है तो वो अपने दिल से कर लेता है। अगर कोई रोजे से होता है या किसी के इश्यूज होता है कि नहीं रह सकता, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन कैसी? अगर सपोज गर्ल्स हैव लॉट ऑफ इश्यूज रमजान में, नहीं रह सकते रोजे से बिकॉज ऑफ पीरियड्स, और हमारा कुछ भी मसला हो सकता है, वी कांट जस्ट मतलब की फास्ट, सो उसमें क्या हो जाता है कि वी आर अलाउड टू ईट एनीवेयर एंड हमारे कैफेज वगैरह सारे खुले रहते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं खाना है, एटलीस्ट गवर्नमेंट से तो बिल्कुल नहीं है, आपकी गवर्नमेंट की तरह। नहीं, गवर्नमेंट तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कराची जल्दी जाएं, वहां पे तो लगता है ही नहीं कि रमजान का महीना है, वहां पे तो उसी तरह कैफेज खुले हैं, होटल खुले हैं। वो जो बात होती है ना, रमजान जाने पठान जाने, बलूचिस्तान में वही चक्कर है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर रोजे यहीं के लोग रखते हैं। लाहौर भी मैं गया हूँ, लेकिन वहां पे भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां पे भी आम कैफेज खुले होते हैं। बहुत रिस्ट्रिक्शन है लाहौर के अंदर, हम लोग भी। अरे इनको बताने देना झूठ, इनको अपना व्हाइट वॉश भी तो करना है ना, माइनॉरिटी है बेचारे वहां के, सच कहां बोलेंगे। नहीं आप जाए, मैं तो लाहौर में था, मीनार पाकिस्तान में, जो हम लोगों का गुरुद्वारा भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मुझे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखी। मुंतहा वहाँ पे मसाजिद का क्या हाल है, मस्जिदों का? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, गली गली में दो चार मस्जिदें दिखने की, यहाँ पे गली गली में देखिए, जो हिस्ट्री है हम उसको नहीं, हम लोग हिस्ट्री को रेज नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप अगर बाबरी मस्जिद की बात करो तो जामा मस्जिद दिल्ली की भी बात कीजिए, हिस्ट्री दोनों की है। आप दोनों की आप मान लें, इश्यूज हैं, आप नहीं मान रहे, लेकिन इश्यूज वहां पे हैं। इश्यूज, इट्स नॉट अबाउट इश्यूज, इट्स अबाउट द एक्सेप्टेंस। वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स एंड यू आर नॉट, एंड दैट्स शेमफुल ऑफ यू एंड योर गवर्नमेंट दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स एंड वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स, और इसलिए हम लोग खुश है, हम लोग आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर आप बाबरी मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद की भी बात कीजिए, लेकिन ये कि हमारा रिवायती निजाम है, यहाँ हम रिस्पेक्ट से जवाब देते हैं ना, यहाँ पे खास करके बलूचिस्तान में, हमारे यहाँ फीमेल्स की अच्छी रिस्पेक्ट। बिल्कुल पता है आपके रिस्पेक्ट के बारे में, हमें बिल्कुल पता है आपके रिस्पेक्ट के बारे में, वी नो एवरीथिंग। सर्च कर लें कभी, हाँ इतनी इतनी फुर्सत थोड़ी हम सर्च करने बैठेंगे, और वो भी कौन सा मुल्क, जब आप लिंक्स इतना लिंक्स आप देख रही हैं, लिंक्स आप भेज रही हैं, तो चीज के ऊपर भी थोड़ा सर्च कर लें, नहीं तो मैं आपको लिंक, कोई बात नहीं, लिंक आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आप मुंतहा मेरा एक और सवाल है आपसे। अभी कुछ रोज पहले ही मुझे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और इंडियन जर्नलिस्ट का मैंने इंटरव्यू लिया दोनों का। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन रेज किया जिनका उनको जवाब पूरी तरीके से नहीं मिल सका, और सवाल ये था कि वहाँ पे हर मस्जिद के बाहर एक आर्मी का बंदा खड़ा होता है या पुलिस खड़ी होती है गन लेकर, गनमैन खड़ा होता है, मस्जिद बंद की हुई, नमाज पढ़ने देते नहीं, डंडे मार के भगा देते हैं, और ये मानती नहीं है भाई। ताली आपकी झूठ के लिए, तो अब आप मेरा सुनेंगे, ठीक है? झूठ, जो मैं झूठा वो झूठी सब झूठे। हाँ तो मैं इधर रह रही हूँ ना कश्मीर में, आई टेल यू व्हाट इट इज एक्चुअली, ठीक है? जो उनने बोला है कि हर कहीं पे मतलब आर्मी पर्सनल होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कहीं पे या हर मस्जिद के बाहर होते हैं। मस्जिद को लेके देखिए, इसको अगर रिलीजन टच देने की कोशिश कोई कर रहा है तो ये सरासर गलत है। नो डाउट आर्मी है, आर्मी का काम है बॉर्डर्स पे रहना या बॉर्डर के जो इलाके है उस पे रहना, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जो ये है कि मस्जिदों के सामने एक एक बंदा है, हमारे मोहल्ले में दो मस्जिदें हैं, मोहल्ले के अंदर तो मैंने कभी आज तक आर्मी नहीं देखी है। दिस इज व्हाट आई एम लाइक, मैं खुद देख रही हूँ। नो डाउट आर्मी है, पुलिस है, और हर किसी मुल्क में होती है, लेकिन आप मुझे ये बोले कि मस्जिदों का अगर आपको किसी ने बोला आप मुझे दिखा दे। मुंतहा सनी जीत ये कह रहे हैं कि वो जो भिंडी आए थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अरे ये कितना झूठ बोलेंगे यार, इंडिया आए थे, हरिद्वार गए, कश्मीर में कहां से आए? और आपने तो कश्मीर का डिबेट किया था उरफाना के साथ, ये कश्मीर में कहां से आए? अच्छा सनी जीत, आपने आपने मस्जिदों के बाहर गनमैन कहां पे देखे थे? सपने में, सपने में, और इसकी फैक्ट्री में, फेक न्यूज फैक्ट्री में। लोग अपने अपने कंट्रीज में अपने अपने रिलीजन के लोगों का क्या फ्यूचर देख रहे हो? हमारे लिए ऐसा माइनॉरिटी कोटा या कुछ ऐसा कोटा बिल्कुल भी नहीं है, हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। एज अ सिटीजन हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नो डाउट। एंड अगर एज अ कश्मीरी मुझे देखना है तो कश्मीर में अभी ये बोलेंगे कि ये झूठ बोल रही है, कश्मीर में वी हैव, मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, वी हैव सो मेनी लाइक
थिंग्स गोइंग ऑन हियर, हमारी सिटीज उनको नया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सब चेंज हो रहा है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, एंड हमारे पास उसके अलावा बहुत बड़े बड़े स्कूल है, हमारे पास आप यू नेम इट आई टेल यू यहाँ क्या है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू मतलब ये सिर्फ जो है हिंदूज के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसी और रिलीजन के लिए नहीं है, सबके लिए है, टोटल इंडिया के लिए. ठीक है जी, ये था इनका जवाब. अब आते हैं सनी जी तो आपकी तरफ, आप मुझे बताओ बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अदर रिलीजन या हिंदुइज्म कह लो, आप अपने कंट्री के अंदर अपने रिलीजन का क्या फ्यूचर देख रहे हो? फ्यूचर हम अपना बहुत अच्छा ही देख रहे हैं, इनकी जरा अभी क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये है कि किसी हद तक अगर मैं बोलूं फ्यूचर का मैं अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हालात ऐसे ना रहें जो आजकल हैं, क्योंकि एक टाइम पे मेरा बेसिकली ताल्लुक मैं क्वेटा से नहीं है ना, मेरा ताल्लुक मस्तूंग से, तो वहाँ पे एक टाइम में इतने हालात बुरे हो चुके थे कि माइनॉरिटीज का वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो चुका था, तो उस वजह से हम लोग क्वेटा शिफ्ट हुए. मतलब बहुत टाइम पहले की बात, उस टाइम में तकरीबन 3-4 क्लास में था. तो फ्यूचर फिलहाल अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है. फ्यूचर अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मैं. बहुत अच्छा है, बिल्कुल आज के हिसाब से. चले फिर, भला हो आप लोग का. हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में. जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले सनी जीत की सारी झूठी बातों का भारत और कश्मीर की बेटी मुंतहा ने मुंह तोड़ जवाब दिया. सनी जीत के हर एक झूठ का पर्दाफाश किया. सनी जीत ने पहला झूठ तो ये बोला कि पाकिस्तान में हिंदू त्योहारों को मनाने पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये खबर भी पाकिस्तान से ही आई थी कि पाकिस्तान के पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाने वाले हिंदू स्टूडेंट्स पर जिहादियों ने हमला किया था. फिर सनी जीत कौन सी माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में सुरक्षित है? अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी सुरक्षित होती तो वो पाकिस्तान में अपना घर कारोबार छोड़कर भारत में आश्रित बनकर रहने पर मजबूर नहीं होते, और भारत सरकार को भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसा बिल अपनी संसद में पास नहीं करना पड़ता. CAA के जरिए इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सालों से जुल्म और सितम सह रहे हिंदू सिख ईसाई जैन पारसी और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत का नागरिक बनाने का हक देगी. इस तरह का झूठ बोलना सनी जीत की मजबूरी भी हो सकता है, लेकिन बाबरी मस्जिद पर बोलकर सनी जीत ने वही पाकिस्तानियों वाली जाहिलियत भी दिखा दी. सनी जीत को पहले तो ये बताना चाहिए था कि बाबर के साथ उसका क्या नाता है. चलो बाबर के साथ सनी जीत का जो भी रिश्ता है, लेकिन अब वो गुलामी की निशानी को हिंदुस्तान से हटा दिया गया है और उस जगह पर फिर से भारत की पहचान भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर शान से खड़ा हो चुका है. जब राम मंदिर बना था तो पाकिस्तानी हिंदू भी काफी खुश थे और अपने अपने तरीके से जश्न भी मना रहे थे. फिर ये सनी जीत किस तरह का हिंदू है जिसे बाबरी मस्जिद टूटने पर दुख और राम मंदिर बनने पर परेशानी हो रही है? नो डाउट कि सनी जीत एक प्राउड पाकिस्तानी अपने आप को मानता है, तो उसे अपने देश की साइड लेनी भी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती असल चीजों को छिपाना और गलत चीजों को पॉइंट आउट करना सनी जीत की जाहिलियत को भी दर्शाता है. एक पाकिस्तानी होने के लिए आप में जाहिलियत कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, और ये स्पेशल क्वालिटी सनी जीत में नजर भी आती है. इंडिया और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि हर वक्त पाकिस्तानियों को भारतीयों के आगे जलील ही होना पड़ता है, क्योंकि भारतीयों के पास सच की ताकत है और पाकिस्तानियों के पास झूठ की भरमार. यहाँ पर भी भारत की बेटी मुंतहा के आगे पाकिस्तानी सनी जीत के झूठ की एक भी नहीं चली, और इसीलिए इस शो की एंकर मेविश नास भी सनी जीत के झूठ पर हंस रही थी जब मुंतहा सनी जीत के झूठ को काउंटर कर रही थी. बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.